गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भवेश कुमार वैभव। चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन क्या है मेरा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा 140। गुणनखंड किसे कहेंगे, किसी संख्याओं में जिस जिस संख्याओं से भाग लगता है वही मेरा गुणनखंड कहला जाता है। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है मेरा 140। 140 में जिस जिस संख्या से भाग लगेगा, 140 में जिस जिस संख्या से भाग लगेगा वही मेरा गुणनखंड कहला जाएगा। चलिए हम देखते हैं 140, 140 में किस किस संख्या से भाग लग रहा है। पहले देखेंगे 2 से, 2 से मेरा 140 में भाग लग रहा है 70 बार में। फिर देखेंगे हम 70 को फिर 2 से भाग लग रहा है, फिर 2 से भाग 35 में नहीं लग रहा है तो 2 को छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे किस संख्या से लग रहा है, 3 से देखते हैं 3 से नहीं लग रहा है, 4 से देखते हैं 4 से भी 35 में भाग नहीं लग रहा है, 5 से देखते हैं 5 से देखते हैं तो 5 से 7 बार में मेरा 35 कट जा रहा है। तो 7 बार 7 में एक बार में कट जा रहा है। तो मेरा 140 का गुणनखंड हो गया 2 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। और गुणनखंड कहेंगे ऐसे ही जिस संख्याओं में, किसी संख्याओं में जिस संख्याओं से भाग लगता है वही मेरा गुणनखंड कहला जाता है। 140 में मेरा 2 से भाग लग रहा है, फिर 2 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, 7 से लग रहा है, इसलिए ये मेरा जो भी संख्या से 140 में भाग लगा यही मेरा गुणनखंड कहला गया, इसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहें। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखें क्या है, 156। 156 को हमें अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा लिखेंगे। चलिए रब करते हैं, फिर 156 में भाग देते हैं। पहले 2 से भाग लगाते हैं, देखते हैं 2 सते 14, 2 अठे 16, 78 बार में कट जा रहा है। फिर 2 से पुनः भाग देते हैं, 2 तीया 6, 2 नमा 18, 39 बार में 78 कट रहा है। फिर 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगा के देखते हैं 3 से लग जा रहा है। 3 का विभाजिता नियम है, जिस संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाती है। तो 9 और 3 12 हो गया, 12 मेरा 3 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 39 मेरा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या कितना हो जाएगा, 13। 13 को हम एक बार में फिर भाग दे सकते हैं। तो 156 में 2 से भी भाग लगा, फिर 2 से भाग लगा, 3 से भाग लगा और 13 से भाग लगा, ये मेरा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 ये मेरा गुणनखंड हो गया। गुणनखंड आप लोग समझ गए हैं कि किसी संख्या में जिस संख्या से, ये 156 मेरा संख्या है और 2 एक बार 2 भाग लगा, फिर 2 बार भाग लगा, फिर 3 से भाग लगा, फिर 13 से भाग लगा, ये मेरा जिस संख्या से भाग लगा वे मेरा गुणनखंड कहला गया। इसलिए 156 का मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 13 हो गया। समझ गए। उसके बाद आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3, 3825 में हम देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 3825 को हम पहले